हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने हैमस्टर के ऊपर। ये हमारे हैमस्टर हैं फोर, दो वो रहे दो ये रहे। काफ़ी क्यूट हैं और काफ़ी विसल्स वगैरह ये मारते हैं जब इनको भूख वगैरह लगती है। हैमस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्यूट होते हैं और पेट के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। हैमस्टर का जो प्राइस होता है वो आपको 650 से स्टार्ट होकर 2000-3000 तक मिल जाता है। दोस्तों, हैमस्टर में काफ़ी डिफरेंट कलर आते हैं और इनको आप एक रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेड की तरह ही होते हैं। बट ये घास यानी कि बरसीन वगैरह, धनिया वगैरह, ये सब कुछ आराम से जो है ईजिली खा लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको उसमें कलर मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, वाइट ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, काफ़ी इसमें कलर आपको मिल जाते हैं। और हैमस्टर जो है सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होता है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा और बाइट का तो कोई चांस ही नहीं है। बहुत रेयर केस होते हैं कि हैमस्टर जो है आपको बाइट कर ले। दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये मुझे देख रहे हैं, सब ऊपर आने की कोशिश में है, सभी के सभी डरते हैं काफ़ी। और इनका जो फूड है ज़्यादातर ग्रीन होता है, यानी कि पत्ते वाला फूड जो है पसंद करते हैं, जैसे कि बरसीन आप कह सकते हैं, घास हो गई, बरसीन हो गई और धनिया आप उनको दे सकते हैं। ये उसे बड़े आराम से शौक से खाते हैं, बिस्किट वगैरह भी खा लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हैमस्टर की ब्रीडिंग की, तो 6 महीने में जो है हैमस्टर जो है ब्रीडिंग करता है। एक बार में 6 से 7 या 8 बच्चे भी दे देता है, फीमेल्स होती है इसकी। कलर आपको पता ही, डिफरेंस कलर होते हैं। ब्रीडिंग जो है इसकी 6 महीने में हो जाती है, एक बार में 6 से 8 बच्चे ये जो है हैमस्टर जो है दे देता है। दोस्तों, मेल फीमेल में पहचान करने का सिंपल तरीका है, आप उसके थन चेक कर सकते हैं मेल फीमेल की। उसके बाद जो मेल हैमस्टर होगा उसके जो हेयर हैं वो लॉन्ग होंगे, एंड अगर शॉर्ट हेयर है तो वो फीमेल होती है। ये भी तरीका है पहचानने का। और तीसरा होता है उनके मेन पार्ट्स वगैरह से पहचान सकते हैं अगर आप, तो उससे भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हैमस्टर लाना चाह रहे हैं घर पर तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और हैमस्टर को केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको केज बनाना पड़ेगा, तो प्रॉपरली आपको डेली में साफ़ करना होगा। ये सुबह ही केज साफ़ किया था, आप देख सकते हैं फिर भी कितना गंदा है, तो ये केज आपको डेली साफ़ करना होगा। अगर साफ नहीं करेंगे तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन से आपके जो हैमस्टर वगैरह, पेट्स वगैरह हैं, वो बीमार हो जाएंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हैमस्टर लेने से पहले ये ज़रूर जान लें कि हैमस्टर अगर आप लाते हैं तो आपका जो उसका केज वाला एरिया होगा वो आपको डेली साफ़ करना होगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद ही हैमस्टर जो है परचेज़ करें। हैमस्टर परचेज करते हैं आप, और आपको अगर ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो आप मेल फीमेल परचेज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ शौक के तौर पर हैमस्टर रखना है, यानी कि आपको ब्रीडिंग उससे नहीं चाहिए, तो आप ये तो दोनों फीमेल ले लें या फिर दोनों मेल हैमस्टर से परचेज करें। पेयर परचेज ना करें अगर आपको शौक के तौर पर रखना है, कि अगर पेयर परचेज करेंगे तो 6 महीने में ऑफकोर्स जो है ब्रीडिंग कर देंगे और फिर आप जो है कन्फ्यूज हो जाओगे कि उसका क्या करना है, क्योंकि आपने तो शौक के तौर पर रखा था और एक बार में 6 बच्चे अगर वो दे देगा तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैमस्टर हो जाएंगे और फिर आपको इनको रखने में जो है थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको ब्रीडिंग के तौर पर रखना है तो आप मेल फीमेल लें, और अगर आपको शौक के तौर पर रखना है तो आप जोड़ा ले रहे हैं तो आप मेल फीमेल ना लेकर के तो दोनों फीमेल ले लें या फिर दोनों मेल ले लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।